आज हम बनाएंगे पफ पेस्ट्री पैटीज। लेंगे 1/2 kg मैदा, 1/2 kg डालेंगे, नमक डालेंगे 10 ग्राम, आटा ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट ही रखना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तकरीबन 400 ml पानी जाता ही जाता है। तकरीबन हमारा डो रेडी है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी और जो घी हम डालेंगे अंदर उसकी कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और हाथ ज़्यादा हार्ड हुआ और घी सॉफ्ट हुआ तो घी निकल कर बाहर आ जाएगी। तकरीबन सेम कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अगर आपका घी थोड़ा हार्ड है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो बाहर निकाल कर पहले ही रखिए। डो तकरीबन रेडी है। थोड़ा मैदा इसमें समेट लेंगे सब। अभी इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखेंगे, नहीं तो ये लचीलापन नहीं आएगा डो में अगर तुरंत छीट करने लग गए तो। थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखेंगे एक 10-15 मिनट। बस ये मैंने 200 ग्राम घी ली है, ये पैटीज वाली घी है। और इधर हमारा डो रेस्ट कर रहा है। इसका वेट करीबन 800 ग्राम है। पैटीज वाली घी 1 किलो डो में इसके वेट में 1 किलो डो में करीबन 200 ग्राम जाती है, तो करीबन 800 ग्राम 150 ग्राम कम है। मैं 200 लिया हूँ। थोड़ा इसको फेटेंगे, ये भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ये बार जैसा आता है ना, इसलिए थोड़ा इसको फेटना पड़ता है, थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है। हमारा घी अभी रेडी है, सॉफ्ट होकर फेट लिया है अच्छी तरह से। अभी हम डो शीट करेंगे। हमारा डो भी तैयार है इधर। इसको हम रेक्टेंगुलर शेप में करेंगे। में डिवाइड कर लिए, ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये पहले 100 ग्राम लगाएंगे। ये हमारा डो शीट करके भी रेडी है, आप देख सकते हैं। ट्रायंगल में इस तरफ एक लगाएंगे, पूरा तक लगा कर जाएंगे। कहीं कहीं एक पार्ट में लगाते हैं और बाद में फोल्ड करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरा लगाएंगे, पूरा शीट पर लगाएंगे घी। इसे धीरे धीरे लगाना है, एक साइड से लगाते आइए। तकरीबन लगभग हो गया है 100 ग्राम। ये साइडों को छोड़ना है, थोड़ा जगह छोड़ना है। देखा आपने, जितना फेटा था उतनी तरह स्मूथ आ गया है डो पर, नहीं तो दाना दाना बन जाता है, डो भी फटने लगता है कभी कभी। अच्छे तरह से फेटोगे घी को, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, फ्रिज में रखा हुआ है तो और भी थोड़ा हार्ड होता है। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। एक क्लियर लग गया है ये। हाथ में इसे थोड़ा हटाएंगे और ये हो गया।
चलो अब इसको फोल्ड मारेंगे, नॉर्मल बुक फोल्ड मारेंगे ऐसे, लेवल करेंगे ये साइड से बस। थोड़ा 5 मिनट रेस्ट देंगे, रेस्ट दिया देगा। करने जा रहे हैं इस बार भी रेक्टेंगल शेप करेंगे, पहले ये साइड से खींचेंगे, बाद में चौड़ा चौड़ा करेंगे और घी लगाएंगे, जो और बचा हुआ है 100 ग्राम वो लगाएंगे। अब प्रेशर भी नहीं देना है, हल्के हाथों से करना है। शीट होकर रेडी है, लो रेक्टेंगल हो गया। अभी दूसरी बार घी लगाएंगे इसको, उसी तरह लगाना है, एक साइड से पहले लगाते जाए कोनों को छोड़कर। और बाद में उसी तरह फोल्ड करेंगे जैसे पहले किया था, नॉर्मल फोल्ड। और आखिरी में फिर से हम शीट करेंगे और इसको बुक फोल्ड मारेंगे। पहले ये करते हैं, इस बार भी मैंने रेक्टेंगल शेप में थोड़ा, इस बार थोड़ा बड़ा खींचा है, थोड़ा लंबा है इस साइड में। अब हम बुक फोल्ड मारेंगे इसको, एक ये साइड में और एक ये साइड में, हल्का सा ये करेंगे पीछे खोल करेंगे। अच्छी तरह से इसे दबाना है, और लास्ट ये इसके ऊपर बस। बीस को लंबा बेलेंगे और बाद में काटेंगे पैटीज के लिए। हमारा डो रेडी है पैटीज का। इसी तरह रेक्टेंगुलर शेप में शीट करेंगे। आधा डो मैंने काट कर अंदर रखा है फ्रिज में, फिर कभी यूज़ करेंगे इस डो का। फिलहाल पैटीज बनाएंगे, वैसे ही बेलना है, पहले चौड़ा बेलना है बाद में सीधा करना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, हाथ से बेल रहे हैं इसलिए हल्का सा उसका MM थोड़ा मोटा ही रखना है। हम पैटीज में फिलिंग डालेंगे, हमारे पैटीज बनकर तैयार है।